नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को ईडी की ओर से राहुल गांधी से पांचवें दिन भी पूछताछ की गई। वहीं ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के बीच कांग्रेसियों द्वारा लगातार सड़क से लेकर सलाखों तक हंगामा देखा जा रहा है। हंगामा और विरोध के नाम पर कांग्रेसियों द्वारा ऐसा ऐसा नंगा नाच किया जा रहा है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। विरोध के नाम पर आपने अभी तक तो अस्त्र शस्त्र बयान, विवादित बयान, प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन सब कुछ देखा होगा और भी कई चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब जमाने के साथ प्रदर्शन का तरीका भी बदल गया है। प्रदर्शन थूक तक पहुंच गया है। दरअसल ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेट्टा डिसूजा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आसानी से देखा जा सकता है कि वो विरोध के नाम पर किस तरह सुरक्षा कर्मियों पर थूक रही है। वीडियो देखिए, फिर बताते हैं उनके थूक मूवमेंट के बारे में। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि महिला सुरक्षाकर्मी नेट्टा को गाड़ी में बैठा रही है, जबकि नेट्टा वाहन के दरवाजे पर खड़े होकर उनके ऊपर थूक रही है। नेट्टा के थूक फेंकने की यह हरकत वीडियो से स्पष्ट रिकॉर्ड हुई है। वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इनके रिश्ते थूक गैंग से जोड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने मांग करते हुए कहा कि नेट्टा का कोविड चेकअप होना चाहिए। आपको बताते चले कि कांग्रेस एंड कंपनी में केवल नेट्टा ही नहीं, कई और नेताओं ने पहले भी अपने थूक जैसे प्रभावी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया है। बताते चले कि पहले भी कई और वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो में अलका लांबा पुलिस के सामने सड़क पर अजीबोगरीब ढंग से रोते चिल्लाते दिखती हैं। उन्होंने पुलिसकर्मी को हाथ पीछे करके कहा था कि अब उन्हें कहा जाएगा कि उन्होंने वर्दी पर हाथ डाल दिया, जबकि ये सब तो वो खुद को बचाने के लिए कर रही है। आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ, मत करो इनको, बोलो बोलो नहीं, हत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े है, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ आराम से बैठी हूँ, गांधी के हृदय में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ, हाथ बंधे। अलका और नेट्टा की तरह ही एक और कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता है जो कुछ दिन पहले अपनी हरकत के कारण चर्चा में आई थी। नाम है रेणुका चौधरी। रेणुका का पिछले दिनों पुलिस से बदसलूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। हैदराबाद में पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान वो एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ते हुए नजर आ रही थी। उस दौरान 7 से 8 महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़कर उन पर काबू पाया था। आपने केवल अभी तक कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन देखा होगा, जरा सोचिए और दिमाग पर जोर डालिए, भारत में न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी, छोटी बड़ी, और इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का स्तर क्या होगा। खैर, ये राजनीति है, यहाँ सब कुछ चलता है। पॉलिटिकल डेस्क, जनहित टाइम्स।